आज की वीडियो में हम आपको आटा और मैगी से बना एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाना बताएंगे। और ये नाश्ता बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मज़ेदार से आटा और मैगी के नाश्ते को हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टेस्टी मज़ेदार से आटे और मैगी का हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैकेट लिया है मैगी का। आप चाहें तो दो पैकेट भी इस रेसिपी में ले सकते हैं। मैं आपको एक ही पैकेट से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना बताऊंगी। तो इस पैकेट को हम खोल लेंगे और मैगी को निकाल लेंगे। तो इसके साथ में जो टेस्ट मेकर आता है ना, इसे अभी हम अलग कर देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अच्छे से डाल देंगे मैगी को और हाथों की हेल्प से हम इसको मसलते हुए तोड़ लेंगे। थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में हम इसे तोड़ेंगे ताकि जब हमारा नाश्ता बनेगा उसमें जो मैगी दिखाई देगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम बस हल्का हल्का ही क्रश कर लेंगे, थोड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से क्रश कर लेना है हमें। तो इस टेस्टी मज़ेदार सी मैगी और आटे की रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाना है। तो मैगी को हमने थोड़े बड़े टुकड़ों में क्रश कर लिया है, बिल्कुल इस तरह के टुकड़ों में हमें क्रश कर लेना है। तो अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को थोड़ा छोटे टुकड़ों में काटा है, इसे हम डाल देंगे। और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे। और थोड़ा सा ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर, बीन्स, मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो ना पसंद हो उसे स्किप कर सकते हैं। अब एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें तीखी लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए। आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, आप इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैगी के पैकेट से जो हमने टेस्ट मेकर निकाला था ना, अब इसमें हमें डाल देना है। पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें अब और कुछ ऐड नहीं करना है, अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने मिला ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं। अब यहाँ एक बाउल और लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप गेहूँ का आटा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आप गेहूँ के आटे के बजाय इसमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल तैयार कर लेना है। तो पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो अभी हमारा घोल गाढ़ा है, तो अभी हमें इसमें और पानी मिलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको घोल की कंसिस्टेंसी दिखाऊँगी हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी ही गाढ़ी हमें घोल की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, जो मैगी के मिक्सचर को हमने वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर रखा है ना, इसमें हमने जो आटे का घोल बनाया है इसे डाल देंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने जो वेजिटेबल्स मैगी में मिलाए थे उसमें मैंने नमक ऐड नहीं करा है, क्योंकि मैंने आटे के घोल में ही नमक ऐड कर दिया था, जिससे कि हमारा जो मैगी का नाश्ता बनेगा ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा आटा मैगी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम एक पैन लेंगे, और पैन को हमें अभी गैस पर नहीं रखना है। अब हम इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे पहले, और जैसे ही ऑयल से अच्छे से ये ग्रीस हो जाता है हमारा पैन, तो हमने जो आटा और मैगी का मिक्सचर बना कर रखा है ना, वो हम पैन में डाल देंगे। और डालकर अच्छे से हमें इसे शेप दे देना है। तो हम इसे बिल्कुल गोल शेप दे देंगे अच्छे से स्पैचुला से। पहले हम इसे फैला लेंगे, और फैला लेने के बाद अच्छे से इसको हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अच्छी तरह से शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं स्पैचुला से अच्छी तरह से सेट कर दिया है हमारे पैन में। तो अब हमें इसे गैस पर रख देना है। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख कर छोड़ेंगे। फिर 5 से 7 मिनट बाद हम इसे चेक कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और 5 से 7 मिनट में हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कुक होता हुआ। तो हमें इसे फ्लिप करना है।
तो फ्लिप करने के लिए इसके ऊपर हम एक बर्तन रखेंगे और पैन को फ्लिप कर देंगे इस तरह से, तो ये आसानी से निकल आता है। इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाएंगे तो टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है और आसानी से फ्लिप भी हो जाता है, बिल्कुल भी चिपकता भी नहीं है। अब दूसरे साइड से भी इसको कुक करने के लिए हमने फिर से पैन को ऑयल से ग्रीस कर दिया है और हमारे नाश्ते को हमने इसमें डाल दिया है, और दूसरे साइड से भी 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही रख कर छोड़ेंगे और 5 से 7 मिनट बाद ही हम इसे चेक कर देखेंगे। और जैसे ही 5 से 7 मिनट हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर दिखाई दे रहा है। अब एक बर्तन में इसे हम निकाल लेंगे और देखने में ही लग रहा है बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको पास से भी दिखाना चाहूँगी, इसमें मैगी के पीसीस आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। और ये नाश्ता मैगी का होता है तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। आप चाहें तो इस तरह से भी नाश्ते को इंजॉय कर सकते हैं, या आप इसे बीच से कट करके भी इस नाश्ते को इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ये नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे ना, तो बच्चे ये नाश्ता बहुत ही शौक़ से खाना पसंद करेंगे, और बच्चों के साथ साथ ये नाश्ता बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, और आपने देखा ये नाश्ता बनाना भी बहुत आसान है, और इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ते को बनाने में ज़्यादा सामान की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे घर के मौजूद सामानों में ही हम इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी है। आपको इसमें मैगी के एक एक पीस दिखाई दे रहे होंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, और इस नाश्ते को जब आप खाएंगे ना, तो एक एक क्रंच आपके मुँह में आएंगे जो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप भी इस टेस्टी मज़ेदार से मैगी के नाश्ते को बनाकर देखें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी टेस्टी मज़ेदार से आटे और मैगी की हेल्दी रेसिपी कैसी लगी।